नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट वेद। मैं हूं वेद प्रकाश। हमारे साथ हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी। 21 तारीख को, 21 नवंबर को, दो चार दिन बाद पटना में भीम आर्मी की बहुत बड़ी रैली होने वाली है गांधी मैदान पटना में। उसी की तैयारियों को लेकर के विनय रतन पटना आए हैं। क्या कुछ तैयारी किए हैं? कई जिलों में आप गए? देखिए, कई जिलों में गए हैं। जो बिहार के अंदर क्षमता देखी है वो अभी तक किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। और ये देख करके कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी मुझे कॉल आ रहे हैं बार बार कि भैया हम भी पहुंच रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं। बिहार की सरजमी को, इस क्रांतिकारी काम जो यहाँ के साथी कर रहे हैं, इसको तो मेरा तो सलूट है। और मुझे लगने लगा है कि जिस क्रांति की बात बाबा साहब, माननीय काशीराम साहब या और महापुरुष करते आए हैं, वो क्रांति बिहार से उठने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश से ज्यादा आपको बिहार में इस तरह का दिख रहा है कि क्रांति ज्यादा हो? देखिए, क्रांति का गढ़ है बिहार। परिवर्तन की भूमि। हाँ, परिवर्तन की भूमि है। और मैं इस चीज का आकलन नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश ही आ गए, क्योंकि हम बाबा साहब की लाइन पर चलते हैं कि मैं प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय हूँ। और हम भीम आर्मी के लोग जो हैं पूरे समाज को परिवार मानने लगे हैं कि हम सब एक परिवार हैं। बस इस परिवार को हम एकजुट करना चाहते हैं। जो क्रांति कांशीराम ने वहाँ की उत्तर प्रदेश में, बिहार में वो नहीं हुआ अभी तक। हालांकि एक बार जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद बिहार में ऐसा कुछ देखने को मिला था। सारे दलित यूनाइट हो गए थे और अल्पसंख्यक भी उनके साथ हुए थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ गए ये फिर बिखराव हो गया और वो कुछ नहीं हो पाया जो यूपी में कांशीराम ने कर दिखाया। तो आप चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं तो कांशीराम पंजाब से आके यूपी में उस तरह की क्रांति की है कि दलित को मुख्यमंत्री तक बना दिए और ऐसा किए कि एक बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई बसपा। आप कुछ ऐसा बिहार के लिए कुछ ऐसी योजना है कि बिहार में इस तरह की क्रांति हो सके और राजनीतिक क्रांति भी हो सके सामाजिक के साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक क्रांति का तो अभी नहीं सोचा है कुछ भी, बाकी समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि समाज चाहता क्या है। माननीय काशीराम साहब की नीति को भी समाज ने ही उजागर किया था। सबसे पहले हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी सामाजिक क्रांति हो जाए जो मजबूत रहे, क्योंकि देखिए माननीय काशीराम साहब भी कहते थे, बाबा साहब ने भी कहा और सर मुर्शो ने भी उसका अनुसरण किया है कि जिस राजनीतिक पेड़ की सामाजिक जड़ें मजबूत ना हो, एक हल्के से वहाँ के दो हल्के से सरक जाता है। यूपी के जो भीम आर्मी के सदस्य हैं या बाकी दलित जो हैं जो जागरूक, उनको समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि वो चूँकि वहाँ बसपा वामसेठ इस तरह की पार्टी संगठन होने की वजह से लोग जागरूक हैं। पहले बिहार में इस तरह की क्रांति नहीं, बिहार के लोगों में आप किस तरह की जागृति देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ उस तरह की बिल्कुल क्रांति जैसे दलित पैंथर महाराष्ट्र में हुए, यहाँ कुछ नहीं उस तरह का हुआ। बिहार खाली है पूरा, तो करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। बिल्कुल, देखिए बिहार में शोषण की घटनाएं भी ज़्यादा हैं। यहाँ क्रांति होती है तो शोषण भी यहाँ ज़्यादा होता है। और यहाँ के जो साथी हैं वो इन शोषण की जब घटनाओं से जूझते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार का जो अम्बेडकर राइट है वो एक बहुत ज्यादा मजबूत है। और इस मजबूती का असर हम खाली बिहार में नहीं देखना चाहते, बिहार के साथ साथ हम चाहते हैं कि बिहार के साथ इस पूरे देश में इस मूवमेंट को मजबूत करने का काम करें। 21 को मुद्दा क्या रहेगा चुनाव, ये रैली का? 21 को मुद्दा बेसिक मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहला तो मुद्दा यही रहेगा 21 को कि ये परिवार इकट्ठा हो। दूसरा कि जो यहाँ के मैंने देखा, जो हम पढ़ते हैं, जो न्यूज के माध्यम से पता लगता है कि बिहार के जिलों में जो हत्याएं हम लोगों की हो रही हैं, वो उसमें पूरा पूरा सरकार का हाथ है। एक चीज है, बिहार में जो भी दलितों की हत्याएं हो रही हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, सवर्ण तो करते हैं, खास करके ओबीसी में देखें तो एक जाति विशेष यादव जाति, उनके द्वारा दलितों पर अत्याचार किया जाता है, जबकि इनको हम बहुजन समाज में शामिल करके चलते हैं और बहुजन है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओबीसी समाज में जब मैं घूमा, सर्वे किया है कि जो भी व्यक्ति मिशन को जानता है, जिसे पता है कि मिशन क्या था, वो लोग क्या थे, वो कभी अत्याचारों के साथ नहीं खड़ा होता। नहीं, ओबीसी में जो यादव, उनको आप नहीं देखिए, विशेष जाति को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, विशेष जाति को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ये है, मेरा तो मात्र उनसे निवेदन है कि माननीय लोहिया जी को, ललाई सिंह यादव जी को पढ़ें, उनके विषय में जाने उन्होंने किया क्या है, और जिस मिशन पर वो चले हैं उस मिशन की ओर अग्रसर हो। हम उनको पढ़कर जान रहे हैं धीरे धीरे, और उस मिशन की ओर अग्रसर होता है। हम चाहते हैं कि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहें, क्योंकि भागीदारी देश में जितनी हम लोगों की रही है उतनी ही पूरे बहुजन समाज की रहनी चाहिए। एक चीज है कि कोई मोदी के खिलाफ कुछ बोल देता है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल देता है, चाहे वो अगड़ी जाति के हैं क्यों नहीं, दलित उस पर लट्ठू हो जाते हैं, जय भीम क्या बोल दिया। ऐसे हमारे जो भोले भाले दलित हैं उसको सिर्फ जय भीम को अगड़ी जाति का भी कह दिया, मोदी का विरोध कर दिया, मनुवाद के खिलाफ दो लाइन लिख दिया, बोल दिया, लट्टू हो जाते, उसको अपना नेता मान लेते हैं। ये वामपंथियों की परंपरा रही और ऐसे ही ब्राह्मण नेता ही सिर्फ उसमें बनते रहे। तो ऐसे जो हमारे समाज के लोग हैं उसको कैसे समझाएंगे? देखिए, समाज को बताएंगे प्रतिनिधित्व एक चीज होती है। अगर आपको बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता
तो आप उस व्यक्ति से कोसों दूर रहिए, क्योंकि जो बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता वो सीधी सीधी मनुवादी व्यवस्था का किया गया एक षड्यंत्र है, उसमें कोई भी हो सकता है। शुक्रिया विनय जी, आप बिहार में आए, बहुत बहुत स्वागत है और अच्छा लगा होगा बिहार आपको। आपको भी जय भीम, आपके क्रांतिकारी विचार पढ़ते रहते हैं, आपके यूट्यूब को हम सर्च वो करते रहते हैं फॉलो। आपकी जो रैली है वो सफल ही नहीं क्रांतिकारी टाइप की एकदम ऐतिहासिक हो, बिल्कुल हम इसके लिए शुभकामना देते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। ओके शुक्रिया, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।